हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। भाई आप लोगों की डिमांड पे दिवाली स्टैश आ चुका है, पूरा का पूरा सामान हमने लगा लिया और सामान इतना है कि एक फोटो में मैं ले नहीं सकता। एक बार देखो कितना सामान है हमारे पास। तो भाई आपको पता ही चल गया होगा कितने सारे पटाखे इस बार हमारे पास। इतना बड़ा स्टैश है ना कि मतलब हम खुद तो सारे पटाखे फोड़ नहीं पाएंगे, तो इतने सारे हम लाए क्यों हैं? ये सब लाए हैं आपके लिए, आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए। तो करना क्या है, इन सब पटाखों का करने वाले हम गिव अवे, बहुत सारे पटाखों का हम गिव अवे करेंगे। लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, फॉलो करना है, और जो जितने ज्यादा फॉलोवर कराएगा और आइडिया देगा वहां पे जाके आपको कमेंट करना है और डीएम करना है, शेयर करना है। मतलब इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज्यादा फॉलोवर कराएगा और जो अच्छा आइडिया देगा उसको दूंगा मैं गिफ्ट्स। और गिफ्ट्स कैसे कैसे देंगे, जब पूरा स्टैश की वीडियो खत्म हो जाएगी ना तब आपको पता चल जाएगी किसको कैसे कैसे क्या क्या मिलने वाला है। अब शुरू करते हैं, इधर रहो, इस कोने से शुरू करता हूं मैं, दिखाना क्या क्या हमारे पास स्टैश में। तो सबसे पहले आते हैं ये बिजली बम। अब ये देखो कितने सारे बिजली बम हमारे पास, कॉक के बिजली बम है और कॉर्नेशन के, इन दोनों के, कॉक ब्रांड के और कॉर्नेशन के। आप सब जानते हो कि कॉक ब्रांड के कैसे होते हैं, कॉर्नेशन के कैसे होते हैं। अब ये थोड़े महंगे आते हैं, ये थोड़े सस्ते आते हैं, ये इनका फर्क होता है। ये मिल रहा है अभी मार्केट में जो है 70 के आसपास मिल जाएगा आपको। अब दिवाली जैसे जैसे नजदीक आएगी इसका रेट काफी ऊपर जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, गिव अवे में भेजेंगे ये एक सिंगल पैकेट नहीं, ये पूरा का पूरा पैकेट भेजेंगे आपको, 10 का पैक भेजेंगे आपको। तो कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाना है, शेयर करना है और फॉलो कराने, मैक्सिमम आइडिया देना है कमेंट में। और देखो अब ये अंदर से कैसा होता है, ये वाला है कॉक का और ये कॉर्नेशन का है। अब दोनों में फर्क देखो, अगर मैं इसको ऐसे यहां पे भेजता हूं और इसमें, दोनों में एक तो साइज का डिफरेंस है थोड़ा, ये बड़ा है, अगर दूसरे से भी कंपेयर करें तो तब भी ये बड़ा है। कॉक के जो आते हैं बिजली बम वो काफी बड़े होते हैं इनसे, कॉर्नेशन से, तो आवाज कॉक वाले की बहुत अच्छी है। अब इन सब की टेस्टिंग होगी धीरे धीरे, अभी सिर्फ आपको दिखाता हूँ स्टैश में आया क्या क्या है। और हमारे पास क्या है, ये 1000 वाली लड़ी, ये भी आपको गिव अवे में मिलने वाली है। अब इसमें बिजली बम की लड़ी, इसमें क्या अलग है, कुछ नहीं। और भाई इन सब पटाखों को जलाने के लिए मैचस्टिक भी है, पूरा माचिस का डब्बा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डब्बे, ये भी गिव अवे में भेजेंगे आपको, पूरा मैच बॉक्स का डब्बा भेजने वाले हैं। और क्या मिलता है, ये बुलेट बम है, केरा बुलेट बम, केरा, तो देखने में छोटा सा नाजी जैसा बुलेट बम है, मतलब सुतली जैसा है देखने में, हल्का हल्का केरा, और हाइड्रो बम के नाम से आता है। और हाइड्रो बम में आपने ये वाला भी देखा होगा, ये जो होता है कॉक वाला केरा, ये काफ़ी अच्छा फटता है, छोटा होने के बावजूद बहुत अच्छी आवाज़ आती है इसकी। एक ये है हमारे पास, और क्या है ये, इस बार मार्केट में आपको एक नई चीज़ मिली होगी देखने के लिए, क्या 222 333 और ये 555, ये अलग अलग है। अभी तीनों देखते हैं कैसे कैसे हैं। तो ये रे तीनों देखो, 222 कैसा है, इसका साइज ये है, और 333 थोड़ा बड़ा, और 555 सबसे बड़ा हीरा। इनकी भी टेस्टिंग होगी, ये भी आपको पता चल जाएगा कैसा है। और सबके बॉक्स लाए हैं भर भर के कि आपको गिव अवे में कोई दिक्कत ना हो, सबको हर चीज मिल जाए। अब इनसे आगे बढ़ते हैं, और ये सबका फेवरेट जो है नाजी, इसको तो हम इतना ज्यादा लाए भर भर के, पूरी की पूरी है, देखो लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और नाजी को तो आप सब जानते हो, अगर नहीं देखा तो फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा होता है हीरा नाजी, ये होता है, ये देखा होगा आपने, इसके 555 से छोटा है पर मुझे इसकी आवाज बहुत सॉलिड लगती है। आप चाहते हो कि इनकी टेस्टिंग करें तो मुझे कमेंट में बताना, मतलब जितने भी वेरायटी है ना सुतली बम की सबकी एक टेस्टिंग कर देंगे, पता चल जाएगा कौन सा कितना पावरफुल है। अब इनके बाद एक सरप्राइज और है सुतली बम में, सरप्राइज देखो क्या है, ये रहे। अब ये देखे होंगे आपने मिर्ची बम के नाम से, एक ये मिलता है और एक ये होता है, आपने देसी देखा होगा गांव वगैरह में होते हैं ये छोटे छोटे स्क्वायर फोल्ड, समोसा बम बोल लो इसको, कुछ भी बोलो। और एक ये है सुतली में थोड़ा बड़ा, और ये आता है फिर सबसे बड़ा, कई जगह इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसका फ्यूज़ भी ऐसे ये डला और ये तैयार, ये काफ़ी बड़ा है। मतलब इन जितने भी सुतली बम है सबकी टेस्टिंग करने वाले हैं। ये हो गया आइटम, और इधर चलते हैं। भाई ये क्या है, आप ये पूछोगे कि यार ये क्या है, ये मैजिक विप जो है, विप स्टिक है, कैसे, ये लड़ी है एक छोटी सी, जैसे हंटर होता ना बिल्कुल वैसी लड़ी है। फिर इसको खोल लो चाहो तो,
ये रहा, ये पूरी लड़ी है, अगर इधर से आग लगाते ना पूरी पट 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 करके हुए पूरी लड़ी जलती है। अब इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ देखते हैं बनाने के लिए, ये आइटम है। तो अब इन नाजी इन बहुत सारे सतली बम को देखने के बाद बढ़ते आगे, और स्काई शॉट की तो भाई इस बार लाइन लगा दी हमने, इतने सारे स्काई शॉट लेके आए। एक बार मैं प्राइस बताऊँ आपको, ये वाला पता है अभी मार्केट में जैसे दिवाली पास आती है 300 रुपये का एक बॉक्स में मिलता है, 250, 200, 300 ऐसे खूब मिलता है, बट हमें मिल गया ये 90-100 रुपये ऐसे पड़ जाता है। अगर आप ज़्यादा स्टॉक लेके आते हो तो 90 के आसपास में आपको ये पड़ता है। तो अब आता है भाई स्काई शॉट का नंबर, इतने सारे स्काई शॉट है ना, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। बहुत अलग अलग साइज़ के हैं, ये बल्ले बल्ले वाला स्काई शॉट है, कोई सोनी के, मतलब हम हर तरीके के लेके आए हैं, सोनी और विनेगा दोनों के स्काई शॉट इतने ज़बरदस्त होते हैं, मज़ा आ जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्काई शॉट होते हैं इनके। और ये पता नहीं क्या है, अभी तक मैंने भी खोल के नहीं देखा, ये शायद चटर पटर जैसा कुछ होगा, 5 स्टार इस पर जो छपरा है, ये देखते हैं इसको भी बाद में क्या है, ये इसकी भी टेस्टिंग में पता चलेगा। अभी स्काई शॉट देखो, ये सबसे छोटा स्काई शॉट है, ये रहा, ये सबसे छोटा है, और बाकी तो सब इससे बड़े बड़े स्काई शॉट है। अभी ये देखो सोनी का, ये कितना साइज है इसका, ये रहा। और फिर आता है ये गोल्डन एंजल, ये इससे बड़ा हो जाता है। और फिर ये लाल मिर्ची, ये भी काफ़ी हैवी है, भारी बहुत है। और इधर ये 7 शॉट्स कॉक ब्रांड के, ये भी आपने काफ़ी देखे होंगे। और ये पेंटा स्काई शॉट है, मतलब जितने भी स्काई शॉट है ना, जो जो अलग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला गोल्ड रश, ये इस बार काफ़ी है मार्केट में, अब ये पता नहीं स्काई शॉट जैसा है, अनार जैसा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा, बट जो अंदर इसकी आवाज़ आ रही है ये वैसी है जैसे स्काई शॉट की शेल में होती है ना, जो बॉल निकलती है उसके अंदर जो आवाज़ आती है, ये कुछ कुछ वैसा है। अब इसको भी जब टेस्टिंग होगी तब पता चल जाएगा कैसा है। गोल्ड रश, गोल्ड रश है, रंगोली, ये भी एक स्काई शॉट है, हाँ ये वैसा है जैसे सिंगल स्काई शॉट आते थे ना पहले ग्रीन लाइट वाली, ये कुछ कुछ वैसा है, शायद इसमें अलग कलर होंगे। और एक ये है हमारे पास, मतलब ये सिंगल सिंगल स्काई शॉट है, बहुत छोटे छोटे वाले जो होते हैं, ये 5 अवतार वगैरह, इनकी जब वीडियो आएगी ना टेस्टिंग की तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कौन कैसे चलता है। एरियल आउट, ये भी स्काई शॉट है, सिंगल सिंगल स्काई शॉट है ये। और भाई सबसे खतरनाक स्काई शॉट जो है इस बार के, वो ये दो हैं, मतलब ये दो नहीं, 1, 2, 3 ये हैं। अब अगर मैं आपको कंपेयर कराऊँ तो एक स्काई शॉट तो ये होता है जो मैंने दिखाया था, इसकी शेल भी काफ़ी मोटी होती है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखो कितना भारी स्काई शॉट है ये भी। और स्काई शॉट जब भी देखना हो ना कि बहुत खतरनाक कौन सा अच्छा चलेगा, उसका साइज देखो, ऐसे साइज नहीं जो इसका ये है ना, ये डायमीटर जो होता है, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा 3 इंच 5 इंच जितना बड़ा होगा ये उतना अच्छा चलने वाला चांस हो सकता है इसका। अब इसको रखते हैं, और मैं जो बता रहा था कि भाई सोनी इससे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है ये विनेगा वाला, मतलब इतना भारी स्काई शॉट है ये रहा। अब मतलब साइज तो देखो यार इसका, एक बार अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो देखो ये कहाँ है, लगभग आधा है इससे, ये बहुत बड़ा स्काई शॉट है, देख रहे हो कितना बड़ा स्काई शॉट है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास 3 है, ये रहा एक और है, ऐसे एक और रखा हुआ है, मतलब सारे स्काई शॉट आपको देखने मिलने वाले हैं इस बार कि कौन सा स्काई शॉट कैसे चलता है। और सोनी विनेगा के अलावा भी हम थोड़े अलग लेके आए हैं, ये राजेश्वरी का है, और मॉन्सकोप पाम ट्री जो देख रहे हो आप, ये सब ये देखो कितने सारे स्काई शॉट अलग अलग रखे हैं, मतलब इसमें सोनी विनेगा का इस वाली लाइन में कोई भी नहीं है, बाकी ये सब सोनी विनेगा के थे, ये अलग हैं। तो देखते हैं इनमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते आते हैं और ये बहुत महंगे हैं। ये वाला जो था ना, ये वाले जो बड़े मैंने दिखाए थे, ये लगभग 1500 रुपये का स्काई शॉट है पेयर दो का। और अभी आगे बढ़ते स्काई शॉट में, एक ये वाला है, ये मतलब ये वो स्काई शॉट है जो ऊपर जाके फटते नहीं है, पर जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करते हैं, मतलब जब निकल के जाते ना, वो बहुत प्यारा लगता है, एकदम रोशनी होती हुई जाती है, ये बहुत प्यारा लगता है। और एक अलग स्काई शॉट है, बधाई हो ये वाला, मतलब इस पर लिखा है यार, ये क्या लिखा था इस पर मैंने पढ़ा था, इंडोर आउटडोर दोनों के लिए, ये रहा इंजॉयबल बोथ इंडोर आउटडोर इन डे एंड नाइट, मतलब ये वाला स्काई शॉट दिन में भी चल सकता है रात में भी, तो ये थोड़ा अलग होगा, पहली बार मैं देख रहा हूँ, इसको चला के देखेंगे ये कैसा है। और इधर आते हैं तो ये थोड़ा अलग आया इस बार, मैंने नहीं देखा था पहले, माइन ऑफ क्रैकर्स, ये कैसा होता है, क्योंकि देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, जब टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा क्या है। और ऐसे ये है शूटिंग स्टार, मे भी ऐसे निकलेगा और फिर कुछ ऐसे घूमेगा, टेस्टिंग आएगी जब पता चल जाएगा आपको भी, क्योंकि अभी अंदर बैठे तो चला नहीं सकते। और ये 7 शॉट, ये सब बाकी सब नॉर्मल है, थोड़ा सा ये अलग लग रहा है कि कॉर्डिनेशन 10 का दम,
ये काफी बड़ा है। 10 कदम से याद आया 1000 कदम, याद है पिछले साल हमने वीडियो करी थी, कॉर्नेशन का ही था, मतलब बॉक्स देख के मुझे लग रहा है 1000 स्काई शॉट थे उसमें एक साथ जलाए थे, वो देखना, वो वाली वीडियोस बहुत अच्छी वीडियो थी, 1000 स्काई शॉट की पूरी एक पेटी, पूरा एक बॉक्स था, वो वाली देखो वीडियो, मजा आएगा। और अभी बढ़ते हैं आगे, और ये रह गया था ये मिसाइल, मिसाइल पे भी हमने एक वीडियो बनाई है, बहुत सारी जहाँ मिसाइल एक साथ चलाई ना, वो बहुत अच्छा व्यू आया था जब ऐसे निकले थे, मतलब मैं बता नहीं सकता, वीडियो देखना, उसमें भी बहुत अच्छा लगा था जब सारी मिसाइल हमने एक साथ चलाई थी। तो ये वही मिसाइल है जो उसमें लगती है ना, रिंग कैप वाली जो गन में लगती है वो मिसाइल है। और स्काई शॉट की तो सब टेस्टिंग आएगी, बहुत अच्छे लगने वाले, पर स्काई शॉट सबकी टेस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि कुछ तो हमें आपको भी देने हैं, मतलब आधे की हम टेस्टिंग करेंगे और आधे आपको गिव अवे मिलने वाले, मतलब इतने बड़े बड़े 800 कोई 1000 कोई 1500 को इतने महंगे महंगे स्काई शॉट सिर्फ आपके लिए आपको देने वाला हूं मैं। तो जो मैंने बताया ना, इंस्टाग्राम पे जाना है, फॉलो कराने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, मैसेज करने हैं, नए नए आइडियाज़ जो जो आपका मन करता है ना वो बोलने का, वो सब बोलो, गिव अवे आपको ही मिलेगा। अब इस पर आते हैं, ये देखो क्या है, ये रॉकेट, मतलब ये पूरा का पूरा रॉकेट का सेक्शन है। अभी ये देखो रोहिणी रॉकेट, ये पूरा PSLV मिसाइल जैसा रॉकेट है, अभी टेस्टिंग आएगी जब दिखाऊंगा, ये वाला बहुत अलग रॉकेट है, पहली बार देखा है। और ये सुपरस्टार रॉकेट, इसको तो आप जानते ही होंगे, मतलब ये वो वाले रॉकेट है वो जो पहले आते थे ना, पहले क्या मतलब काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, अभी भी आते हैं रॉकेट जिनके ऊपर शेल लगा होता है, जिनके ऊपर ये बम लगा हुआ होता है ना, ये शेल होता है स्काई शॉट जैसा, स्काई शॉट में बड़ा शेल होता है, इसमें छोटा सा है, ये ऊपर जाके फटता है और पूरा स्काई शॉट वाला फील आता है इस रॉकेट से। ये वाले भी काफ़ी अच्छे रॉकेट है, और ये कॉर्नेशन का रॉकेट है, छोटा रॉकेट जो होता है, मतलब ये नॉर्मल सा रॉकेट है, एक बार दिखाई देता हूँ आपको, बहुत बेसिक रॉकेट, ये जो है बिल्कुल एकदम पिद्दी सा सिंपल सा रॉकेट है, सबसे छोटा रॉकेट है हमारे पास इस बार यही है बस, बाकी सब बड़े बड़े हैं, सुपरस्टार हो गया, ये 2 साउंड रॉकेट है, रोहिणी रॉकेट फिर से, और ये वाला रॉकेट भी काफ़ी अच्छा है, सिल्वर जेट रॉकेट, ये वाला भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। रॉकेट की भी एक पूरी टेस्टिंग वीडियो आएगी, उसमें सब पता चलेगा कौन सा रॉकेट कितने ऊपर जाता है, कैसा चलता है। और ये क्लासिक, मतलब बहुत टाइम से आने वाला यूनिक कॉक ब्रांड का, ये आप सब जानते हो इसको, काफ़ी बहुत अच्छा रॉकेट है, मतलब सही है। और इधर आते हैं, ये हो गया ये मरकरी का, हाँ मे भी ये गाना गाएगा रॉकेट, गाना वाना कुछ नहीं गाने वाला, विस्लिंग रॉकेट जैसे लिखा ना, वो नॉर्मल विस्लिंग चक्री आती है बिल्कुल वैसे वाला रॉकेट है। और पहले जो आते थे अगर आपको याद हो, जो पहले रॉकेट आते ना विसल वाले, वो सिर्फ ऊपर जाते फटते भी नहीं थे, अब थोड़ा चेंज हो गया, फटने लगे रॉकेट, अच्छे आ रहे हैं, इसको भी देखेंगे कैसा है। और इधर ये लूनिक है ये वाला, और ये जैसे सुपरस्टार दिखाया था मैंने बिल्कुल वैसा ही है, गोल्डन विलो, वो वाइट होता है, ये गोल्डन होता है फटने के बाद, ये भी आएगा वीडियो में टेस्टिंग की, जब देख लेना कैसा है। ये सब रॉकेट है, और रॉकेट के बाद अब आते हैं फूल जड़ियों पे, तो अभी फूल जड़ियों में देखो कहाँ है ये, मतलब बटरफ्लाई आ गई यहाँ, अभी ये डिस्को फ्लैश है, फूल जड़ी भी रोशनी करती है और डिस्को फ्लैश भी बहुत अच्छी रोशनी करती है, बहुत सही है एकदम फ्लैश, डिस्को फ्लैश जैसे फोटो खींचती है ना, कैमरे में फोटो खींचती है और फ्लैश आता है, बिल्कुल वैसी बहुत तेज़ रोशनी होती है इस फ्लैश की, मतलब क्या करेंगे बहुत सारी फ्लैश इकट्ठी लेके जलाएंगे और देखना बहुत तेज़ रोशनी होने वाली है, वो करेंगे। और ये स्पार्कल्स है, इस बार जो थोड़ा अलग लगा ना वो ये क्रैकलिंग, मतलब फूल जड़ी में पहली बार क्रैकलिंग आई है, ये ऐसी फूल जड़ी है जो रॉड है इसकी वो भी काफ़ी मोटी है, और ये क्रैकलिंग है, मतलब आप समझते होंगे अगर आपने पटाखे जलाए तो क्रैकलिंग पटपट करके जो फूल जड़ी एक तो नॉर्मल जल रही है और जब इसमें से पटाखे इसमें से ही निकल रहे हैं छोटे 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 जहाँ चटरपट होती है वैसे निकलेंगे, तो इसको जलाएंगे, इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्रैकलिंग वाली फूल जड़ी ये पहली बार आई है। और तो अभी देखो ये फूल जड़ी एक, और रेड कलर की फूल जड़ी, ग्रीन वाली, ये सब गिव अवे वाला आइटम है। और ये रहा ये छोटी वाली है, ग्रीन रेड छोटी, ये बहुत छोटी वाली फूल जड़ी, मिनी फूल जड़ी बोल सकते हो आप इसको। और ये थोड़ा अलग है इस बार, कैंडल स्टैंडर्ड की मल्टी कलर कैंडल है, ये थोड़ा अलग टाइप की है, इसको देखेंगे टेस्टिंग के टाइम पे कैसी है। और ये इसका तो वेट काफ़ी हो गया, काफ़ी सारी फूल जड़ी है यहाँ पे, ये वाली भी छोटी है और ये फूल जड़ी, और ये जो मैंने क्रैकलिंग वाली दिखाई थी ना अभी, ये वही क्रैकलिंग वाली है, बस इसका साइज थोड़ा सा उससे कम है, बट ये भी काफ़ी अच्छी फूल जड़ी है, ये भी सब आपको गिव अवे में मिलने वाला है। और इधर आते हैं अब चक्रियों पर,